गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आज की एक्सरसाइज 12A, इसका जो फर्स्ट क्वेश्चन है ये लिखा हुआ है इसमें, मार्क ए पॉइंट ऑन योर नोटबुक, ड्रॉ ए लाइन पासिंग थ्रू दिस पॉइंट एंड हाउ मेनी लाइंस कैन यू ड्रॉ टू पास थ्रू दिस पॉइंट। तो हम कोई पॉइंट ले लेते हैं, देखो ये पॉइंट है, यहाँ पर कोई भी पॉइंट ले लेते हैं। ये मान लो, सपोज करो इस पॉइंट का नाम है ए, तो क्या इस पॉइंट से हम कितनी लाइनें खींच सकते हैं? तो एक पॉइंट से चलो देखो हम खींचते हैं, ये देखो हमने इससे लाइन खींची, ये एक लाइन, ठीक है, ऐसे इससे दूसरी लाइन खींच दी, ऐसे इससे और थर्ड वाली लाइन हमने ये खींच ली, देखो ये देखो थर्ड लाइन। तो इससे आप कितनी सारी लाइनें खींच सकते हैं? लाइन देखो, इसका नाम मैंने सी और इसका नाम डी रख लिया, इसका नाम पी और इसका नाम क्यू, ये इसका नाम रख लो आर और एस, एस तरह से हमने इनके नाम लिख लिए हैं और ये लाइनें, एक लाइन, दो, तीन, तो यानी इससे कितनी लाइनें पास हो सकती हैं? तो नंबर ऑफ लाइन इनफाइनाइट हो जाएंगे। क्या हो जाएंगी? नंबर ऑफ लाइन पासिंग थ्रू, पासिंग थ्रू ए पॉइंट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? इनफाइनाइट। इनफाइनाइट का मतलब क्या होता है? अनंत, जिसका कोई अंत नहीं है, अनकाउंटेबल, ठीक है। तो इस तरह से इनफाइनाइट लाइन होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन इस पे है, मार्क टू पॉइंट ऑन ए पीस ऑफ पेपर, ड्रॉ अ लाइन पासिंग थ्रू दिस पॉइंट, हाउ मेनी सच लाइंस कैन यू ड्रॉ। तो यहां पर पहले वाले क्वेश्चन में जो है क्या था कि आपने जो है एक पॉइंट से कितनी लाइनें पास कराई? इनफाइनाइट। अब यहां पर पॉइंट दो है, मान लो एक पॉइंट ये है और एक पॉइंट ये यहां पर है, तो इन दोनों पॉइंट से कितनी लाइनें पास हो सकती हैं? ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है, तो इन दोनों से एक ही लाइन पास होगी, सिर्फ एक ही लाइन पास होगी। ये थोड़ा स्ट्रेट बनी नहीं लेकिन है ये लाइन, ठीक है। लाइन को लिखते कैसे हैं? देखो ये ए बी, ये लाइन को ऐसे लिखेंगे, दोनों तरफ इसके एरो होते हैं, तो एक पॉइंट से केवल जो है दो पॉइंट से, पॉइंट ए एंड पॉइंट बी, ओनली वन लाइन, ओनली वन लाइन कैन बी ड्रॉन थ्रू टू पॉइंट्स। दो पॉइंट से केवल एक ही लाइन पास की जा सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें, तो ये जो क्वेश्चन है इसमें आप ये देखते हैं कि मार्क थ्री पॉइंट, यहां पर पॉइंट कितने देखे? थ्री, ठीक है। और ये इससे हमें ये पता लगाना है कि इससे हम कितनी लाइनें खींच सकते हैं और इससे जो फिगर बनेगा वो फिगर क्या होगा। तो चलो देखते हैं, ये जो पॉइंट, ये लाइन जो पॉइंट है, ये जो है एक लाइन में नहीं है, नॉट इन ए लाइन, ये जो है लाइन में नहीं है, ठीक है ना, तो अलग अलग हैं। तो जैसे एक पॉइंट यहां पर है, ये एक पॉइंट यहां पर है, और सपोज करो एक पॉइंट यहां पर है, तो आपका ये पॉइंट ए ले लो और इसका नाम बी और इसका नाम सी, तो अब ये तीनों पॉइंट जो है एक ही लाइन में नहीं है, तो इनको जो है जोड़ने वाले कितने लाइन सेगमेंट्स हो सकते हैं, ठीक है। तो ये देखो, ये जोड़ने वाले लाइन सेगमेंट कितने हो सकते हैं? यहां से इसको अगर मैं ये नीचे ड्रॉ करूं, यहां देखो, ये देखो, ये फिर मैंने इसको इधर से ज्वाइन कर दिया, ये और इसको यहां से ज्वाइन कर दिया, ये देखो। तो इस तरह से ये देखो लाइन सेगमेंट कितने हो गए? थ्री हो गए, ठीक है, थ्री लाइन सेगमेंट, थ्री लाइन सेगमेंट्स। ये लाइन सेगमेंट्स कौन कौन से हैं? एक हो गया ए बी, दूसरा हो गया बी सी एंड थर्ड वन जो है ए सी। तीन लाइन सेगमेंट हो गए ये, और तीन लाइन सेगमेंट से जो ये फिगर बन रहा है, फिगर कौन सा हो गया? ये फिगर हो गया आपका ट्राइंगल। फिगर क्या हो गया? ट्राइंगल, ठीक है। तो ट्राइंगल फिगर हो गया है और सेगमेंट्स थ्री हो गए, वन टू थ्री सेगमेंट।